हेलो एवरीवन, आज हम शिक्षा निदेशालय का आकलन कार्य पत्र नौ करेंगे, विज्ञान का क्लास 8 का 15 दिसंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प सामने दिए गए हैं, सही उत्तर पर गोला लगाइए। जीवों में जनन किस लिए आवश्यक है? जो जीवों में हमारा जनन होता है, ये किस लिए आवश्यक होता है? ए, जीवों को जीवित रखने के लिए। बी, उनकी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सी, उनकी वृद्धि को बनाए रखने के लिए। और डी, प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। तो हमारा जो राइट आंसर है वो डी है, प्रजातियों को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए। अब अलैंगिक जनन है, जो अलैंगिक जनन है ये कैसा जनन होता है? ए, विशेष कोशिकाओं का संलयन होता है। एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा जो है जो जीव है हमारे वो जनन करती हैं। तीसरा, एक ऐसी विधि जिससे सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है। डी, एक ऐसी विधि जिसमें एक से अधिक जीव जनक शामिल होते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे वो है आप लोगों का सी, एक ऐसी विधि जिससे सामान्यतः समरूप संतति उत्पन्न होती है। थर्ड जो है, मानव नर युग्मक कहलाता है। तो जो मानव नर युग्मक है वो क्या कहलाता है? तो जो मानव नर युग्मक है वो हमारा क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है, शुक्राणु कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, वृषण कहलाता है। शुक्राणु कहलाता है। अंडाणु कहाँ निर्मित होते हैं? वृषण, शिश्न, अंडाशय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है वो आप लोगों का अंडाशय। अंडाशय होता है हमारा अंडाणु अंडाशय में निर्मित होते हैं। अब अगला, निषेचन के तुरंत बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? भ्रूण कहलाती है, गर्भ कहलाती है, अंडाणु कहलाती है, ये युग्मनज कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी युग्मनज कहलाती है। छठा, मानव में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, अंडवाहिनी, वृषण या गर्भाशय? तो ऑप्शन है अंडवाहिनी। अब अगला सातवां जो आप लोगों का प्रश्न है, मानव में निषेचन के बाद गर्भाशय की दीवार में कौन सी संरचना रोपित होती है? भ्रूण संरचना। अब भ्रूण की वह आवश्यकता एक वैसी अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान की जा सके, वह क्या कहलाती है? अंडाणु कहलाती है, गर्भ कहलाती है, गर्भाशय कहलाती है, ये युग्मनज कहलाती है। तो ये हमारी गर्भ कहलाती है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानवों के लिए सही है? पहला, निषेचन बाह्य होता है, निषेचन व्रणम में होता है, निषेचन के दौरान अंडाणु शुक्राणु की तरफ गति करता है, निषेचन आंतरिक होता है। तो राइट आंसर है निषेचन आंतरिक होता है। मानव ने जनन की सही क्रम है, युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, फिर युग्मनज, फिर भ्रूण। पहला या फिर बी, भ्रूण, युग्मनज, निषेचन या युग्मनज निर्माण। अगला सी, निषेचन, युग्मक निर्माण, भ्रूण या युग्मनज। डी, युग्मक निर्माण, निषेचन या भ्रूण। तो राइट आंसर है आप लोगों का ए, युग्मक निर्माण, फिर निषेचन, फिर युग्मनज और फिर भ्रूण। तो आप इस तरह से आंसर लिखेंगे, वर्कशीट कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय। चैनल को आप सभी बच्चे लाइक करें और सब्सक्राइब।